हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, खुश हों। तो फ्रेंड्स, देखिए मैं आज ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने 3 आलू को अच्छे से छील के धो लिया था, 2 कांदे को कट करके रख लिया है। और अब इसे हम ग्रेटर से आलू को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए मैंने सभी आलुओं को ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें बारीक कटा कांदा ऐड करूँगी। और ये ब्रेकफास्ट आप घर की चीज़ों से बना लेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो कांदा भी मैंने ऐड कर दिया। इसमें मैंने 2 मिर्ची डाली, आपको तीखा जितना पसंद हो आप मिर्ची ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। और इसमें फ्रेश बारीक धनिया कट करके डाल दिया। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे नमक, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा आप इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने नींबू ऐड कर लिया है। और इन सभी मसाले को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसका हम डो बनाएंगे। इसमें हम कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा मैदे का यूज करेंगे। तो देखिए मैंने कॉर्नफ्लावर या तो मैदा, आप दोनों में से एक चीज़ चूज़ कर सकते हो या तो दोनों को थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो। तो हमें पहले 3 से 4 चम्मच मैंने डाल दिया, अच्छी तरीके से इसकी बाइंडिंग कर देंगे। पहले हमें थोड़ा थोड़ा ही डाल के मिक्स करना है, जिस प्रकार से हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उस प्रकार से कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। तो देखिए मुझे 4 से 5 चम्मच फिर ज़रूरत पड़ा, तो मैंने फिर से ऐड करके इसको तैयार कर लिया डो को। तो आप लोग भी इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहनी चाहिए जितना मैंने आप सभी को दिखाया। तो चलिए गैस के पास चलते हैं। गैस पे हम पैन रखेंगे, पैन को हल्का सा गर्म होने दें, फिर उसमें ऑयल डालें। ऑयल डालने के बाद हम जो बैटर बनाए हैं उनका छोटे छोटे टिक्की शेप में हम लोग नाश्ता बनाएंगे। यकीन मानिए नाश्ता बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम बनता है। आप लोग के घर पर कोई मेहमान आए तो भी आप इसे बना के खिला सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स, देखिए एक साइड पक गया है, तो हम दूसरे साइड इसको पलट के ब्राउन होने तक पका लेंगे। इसको आपको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, तभी ये अच्छी तरीके से पक सकेगा, नहीं तो आधा कच्चा रह जाएगा। आप इसको मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से ब्राउन होने तक टोस्ट कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता हम लोग का बनके रेडी होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्दी भी रहता है। आप बच्चे के टिफिन में भी बना के इसे दे सकते हैं। बहुत ही झटपट से बनता है, घर की चीज़ों से बनता है, आपको कोई भी चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे किसी भी टाइम बनाइए, सुबह ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में, बच्चे के टिफिन में, किसी भी टाइम बना लेंगे, बहुत ही झटपट से बन के रेडी हो जाता है। तो देखिए मैंने सभी को बना के रेडी कर लिया है। आप इसे चटनी, केचप, किसी के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी तरीके की और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।